नमस्कार, आप देख रहे हैं GoPlus गो न्यूज की इस खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रूपाली तिवारी। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना को बहुमत, लेकिन हरियाणा में बीजेपी का सरकार बनाने का सपना टूटा। नई नवेली जननायक जनता पार्टी किंग मेकर बनी। महाराष्ट्र हरियाणा में बीजेपी के कई दिग्गज मंत्री चुनाव हारे। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी शिकस्त मिली। 30 सीटों पर बढ़त के साथ कांग्रेस हरियाणा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, कांग्रेस सरकार बनाएगी। हरियाणा में खराब प्रदर्शन करने पर सीएम मनोहर लाल खट्टर दिल्ली तलब। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का इस्तीफा। 17 राज्यों की 51 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भी बीजेपी को झटका। गुजरात में बीजेपी उम्मीदवार अल्पेश ठाकुर चुनाव हारे। कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू कश्मीर में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के लिए वोट डाले गए। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग में 14 अंकों का सुधार। पाकिस्तान दोगुनी छलांग लगाकर 108वें नंबर पर पहुंचा। और करतारपुर पर भारत पाक के बीच समझौते पर अंतिम दस्तखत हुए। 10 नवंबर से कॉरिडोर खोला जाएगा। महाराष्ट्र हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में नहीं हैं। महाराष्ट्र में उसे स्पष्ट बहुमत जरूर मिला है, लेकिन कई दिग्गज मंत्री चुनाव हार गए। पिछले चुनाव के मुकाबले उसकी और शिवसेना की सीटें भी कम हुई हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा शर्मिंदगी हरियाणा में उठानी पड़ी, जहां उसने 75 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। यहां उसके लिए सरकार बनाना अब आसान नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अब की बार 75 पार का नारा दिया था, लेकिन मतदाताओं ने उसे बहुमत में आने से रोक दिया है। 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में बीजेपी ने पिछले चुनाव में 47 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार पार्टी 39 सीटों पर सिमटी दिख रही है। ऐसे में उसका अपने दम पर सरकार बनाने का सपना टूट गया है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला को इस्तीफा देना पड़ा है और सीएम मनोहर लाल खट्टर दिल्ली तलब कर लिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में जबरदस्त वापसी की है। पिछले चुनाव में 15 सीटों पर सिमटने वाली पार्टी ने इस बार दोगुनी से भी ज्यादा 31 सीटों पर बढ़त बना ली है। दो बार सूबे की कमान संभाल चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अब सरकार बनाने की कोशिशें तेज कर दी है। उन्होंने सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर सरकार बनाने की अपील की है। हरियाणा के लोगों का धन्यवाद करता हूं कि जो जनाद दर्ज किया, साथ के साथ जो और जो भाजपा के जनादेश के खिलाफ जो पार्टियां बनी, जैसे कांग्रेस है, चाहे वो जेजेपी है, आईएलडी है और बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स हैं, वो सब जो है भाजपा के लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट देके बनाए। मैं सभी से कहता हूँ, समय आ गया है, जितने ये सब हैं सब दल मिलकर एक मजबूत सरकार बनाएंगे और सबको कांग्रेस पार्टी में एज चेयरमैन ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि सबको पूरा मान सम्मान और स्थान मिलेगा। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर निर्दलीय उम्मीदवारों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी कई निर्दलियों पे जिस प्रकार का दबाव बना रही है सरकार प्रशासन के माध्यम से, लोकतंत्र में वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। सभी निर्दलियों को स्वतंत्रता से अपनी चयन करने का अवसर मिले, वो कहाँ किसको सपोर्ट करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार की हमारे पास बातें आ रही हैं कि उनको घेरा बनाया जा रहा है, कहीं हेलीकॉप्टर भेजने की तैयारी हो रही है, कहीं कुछ हो रही है, क्योंकि उनमें से बहुत लोग उनका मन है, क्योंकि ज्यादातर कांग्रेस की पृष्ठभूमि के लोग हैं, उनका मन है कि हमारा साथ आए, मगर इस बात में स्वतंत्रता से उनको अपनी चॉइस करने का अवसर दिया जाए इलेक्शन कमीशन को, ताकि आप लोगों के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को मैं ये कहना चाहता हूँ। हरियाणा विधानसभा चुनाव में किंगमेकर बनकर उभरे दुष्यंत चौटाला ने पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा कि पहले विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसके बाद कोई फैसला होगा। अच्छे रुझान है, बिल्कुल विश्वास था, एक एक साथी ने जो मेहनत 11 महीनों में करी, आज उसका नतीजा है कि इतने मजबूती के साथ प्रदेश परिवर्तन की ओर बढ़ा है। हरियाणा बदलाव चाहता है, हरियाणा जननायक जनता पार्टी चाहता है। 11 महीनों में जो लोग हमें बच्चों की पार्टी कहते थे, आज बड़े बड़े दिग्गजों को हमको हरा रहे हैं, ये साबित हो जाता है। नारनौंद के अंदर वित्त मंत्री हार रहे हैं, अपने आप में बहुत मजबूत। महाराष्ट्र में भी बीजेपी शिवसेना को नुकसान हुआ है, लेकिन वोटरों ने फडणवीस सरकार पर भरोसा जताया है। हालांकि सरकार में हिस्सेदारी को लेकर बीजेपी शिवसेना के बीच खींचतान शुरू हो गई है।
महाराष्ट्र में एनसीपी ने शानदार प्रदर्शन किया है जो 56 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस के लिए 50 सीटें भी जीत पाना मुहाल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। महाराष्ट्र हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने धुआंधार रैलियां की, लेकिन नतीजे मनमाफिक नहीं आए। अपनी चुनावी रैलियों में मोदी शाह की जोड़ी ने स्थानीय मुद्दों की बजाय राष्ट्रीय मुद्दों को खूब उछाला। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और पाकिस्तान को सबक सिखाने जैसे तीर छोड़े गए, लेकिन मतदाताओं पर इसका खास असर देखने को नहीं मिला है। दोनों राज्यों के चुनावी नतीजों पर तमाम दलों के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रही, आइए देखते हैं। जी, गंगोह में हमारा प्रत्याशी जीत रहे थे और उनको बाहर निकाला गया काउंटिंग सेंटर से। बार बार डीएम साहब को फोन आ रहे थे। हमारी मांग है कि इसकी जांच की जाए, कि निर्वाचन आयोग इसकी निष्पक्षता से जांच की। मैम, वोट शेयर यूपी में काफी अच्छा रहा है इस बार। जी, इस बार दुगना हुआ है, शायद दुगने से भी ज्यादा हुआ है। हरियाणा में काफी अच्छा कांग्रेस ने किया है। इससे हमें बहुत खुशी है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारे संगठन थोड़ी सी उपलब्धि है। हरियाणा के लिए क्या कहेंगे मैम? बहुत खुशी है हरियाणा पर भी, महाराष्ट्र पर। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 105 के करीब सीटें अभी दिखाई पड़ रही है, कुछ आगे पीछे होगी, और सबसे बड़े दल के रूप में महाराष्ट्र में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी चुनकर आई है। हमारे साथ में हमारे गठबंधन के लोग, शिवसेना, ये सारे, हम सभी को अच्छी सीटें मिली है। ये बात सही है कि पिछले बार से कुछ सीटें हमको कम मिली है, लेकिन अगर हम देखें तो पिछले समय महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 260 सीटें लड़ी थी और हमारी 122 सीटें आई थी। इस बार हम 150 सीटें लड़े और हमारे साथी 14 सीटें लड़े हैं और हमारी 105 सीटें आई है। इसका मतलब यह है कि पिछले समय हमारा स्ट्राइक रेट ये 47% था, 47%, अब हमारा स्ट्राइक रेट ये 70% है, 70% है। जितनी सीटें हम लड़े उसमें से 70% सीटों पर हमने विजय हासिल की है। अभी हम उद्धव जी से बात करेंगे, मैं उद्धव जी से मिलने जा रहा हूँ, दिवाली की भी नंबर इतने बुरे भी नहीं है, नंबर इतने बुरे भी नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है कभी कभी, ऐसा होता है। यस, डेफिनेटली वी आर कंटिन्यूइंग विद अलायंस। हाँ हाँ, जरूर 50-50 का फॉर्मूला तय हुआ है, हो जाएगा। मैं एक ही बात इसमें बताऊंगा कि लोगों ने, हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया, अलग अलग पार्टियों को वोट दिया। उसका मतलब है हरियाणा की जनता चाहती है कि बीजेपी की सरकार न बने, तो अब ये दूसरी पार्टियों पर निर्भर है जिनको एमएलएज मिले हैं और जिनके लिए लोगों ने वोट दिया है, उनको इकट्ठे होकर अब भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना चाहिए सत्ता से। और अगर इस वक्त कोई राजनीतिक दल गलती करता है और भारतीय जनता पार्टी की मदद करता है तो अगले 4 साल के बाद हरियाणा की जनता उसको भी बाहर कर देंगे। आज दिल खुश है लेकिन आत्मा रो रही है, कहते दिल खुश है लेकिन आत्मा रो रही है, तो क्योंकि जिस पार्टी को सींचने का काम किया, जब उसने उन्हीं लोगों की टिकट काटी जो आज जीत करके आए, जेजेपी से जीत के कौन आए, मंत्रियों को जिन्होंने हराया है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को हराया, हम टिकट किनकी मांग रहे थे, उन्हीं की तो मांग रहे थे, तो इसलिए ये अन्याय की वजह से आज कांग्रेस यहाँ आकर के खड़ी हुई है, नहीं तो अकेले कांग्रेस अपने बूते पर सरकार बनाती। अब देखते हैं आगे किस तरीके से है। हमने तो एक बात कही है कि हमने दुष्यंत चौटाला जी को, जेजेपी को इसलिए समर्थन दिया था कि वो मुख्यमंत्री बने, अब उनको मुख्यमंत्री बनवाने में भाजपा कांग्रेस मिलकर के समर्थन दे, अकेले दे, कौन दे, ये उनके ऊपर है, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो अगला जेजेपी का बनना तय है। ২০১৪ में पीएम मोदी के कमान संभालने के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की आंधी चली थी, लेकिन 5 साल बाद तस्वीर बदल गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना अपने दम पर सरकार जरूर बना रही है, लेकिन उन्हें सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं हरियाणा में कांग्रेस ने शानदार वापसी की है और सत्ता बीजेपी के हाथों से फिसलती नजर आ रही है। हरियाणा में नए सियासी समीकरण क्या बन रहे हैं, हमारे सहयोगी अजय झा बता रहे हैं।
हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग आ चुके हैं। जहां एक ओर महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनती हुई दिख रही है, वहीं हरियाणा में त्रिशंकु विधानसभा की तरफ एक तस्वीर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला है, लेकिन इस मुकाबले के बीच जेजेपी जो एक नई पार्टी है दुष्यंत चौटाला की, उस पार्टी के हाथ में जो है वो वहाँ की सरकार बनाने की चाबी है। और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेतृत्व की तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को दिल्ली बुलाया गया है। लेकिन जो दो तस्वीरें सामने आई हैं महाराष्ट्र की और हरियाणा की, वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए उसमें उत्साह लाने वाली बात है। जिस तरह से हरियाणा में नेतृत्व को लेकर काफ़ी संकट रहा, काफ़ी लंबे समय तक फैसला नहीं हो पाया और आखिरी दौर में आके भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान दी गई और उसके बाद लगभग 20-25 दिनों का समय था कैंपेन का, और बावजूद इसके जिस तरह के नतीजे हरियाणा में कांग्रेस के लिए आए हैं उससे पार्टी में एक उत्साह है। हालांकि सरकार किस तरह से बनेगी हरियाणा में, क्या कांग्रेस इस स्थिति में होगी कि वो जैसा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि दूसरी पार्टियों से अपील करते हुए कि बीजेपी को रोकने के लिए चाहे जेजेपी हो, आईएनएलडी हो या निर्दलीय है, वो सब एकजुट हो जाएं बीजेपी के खिलाफ, क्या वैसी तस्वीर बनती हुई दिखेगी, ये सब समय बताएगा। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस के जिस तरह से नंबर आए हैं और या हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस ने एक वक्त जो एग्जिट पोल और तमाम सर्वे थे वो कहीं भी कांग्रेस को रेस में नहीं दिखा रहे थे, बावजूद इसके लगभग बीजेपी और कांग्रेस की बराबर की सीट है हरियाणा में। हालांकि सरकार बनाने के लिए जो निर्दलीय हैं और जेजेपी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी दोनों ही पार्टियों को। ऐसे में जेजेपी किस तरफ जाती है उसके साथ ही ये तस्वीर भी साफ होगी कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी या बीजेपी की सरकार बनेगी। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़ दिल्ली। अन्य खबरों में भारत पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर पर अंतिम सहमति भी बन गई है। दोनों देशों के नुमाइंदों ने जीरो पॉइंट पर पहुंचकर समझौते पर दस्तखत कर दिए। अब 9 नवंबर को दोनों देशों के प्रधानमंत्री इस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय करतारपुर कॉरिडोर पर भारत पाकिस्तान के बीच अंतिम समझौता भी हो गया। दोनों देशों के नुमाइंदों ने जीरो पॉइंट पर पहुंचकर समझौते पर दस्तखत कर दिए। दोनों देशों के बीच उद्घाटन की तारीख और श्रद्धालुओं से ली जाने वाली फीस को लेकर मतभेद थे, जिसे सुलझा लिया गया है। पाकिस्तान सिख श्रद्धालुओं को फ्री वीजा एक्सेस देगा, लेकिन $20 का सेवा शुल्क लेगा। इस कॉरिडोर का उद्घाटन 9 नवंबर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। That decision, we have today, under a decision of Government of India, signed the agreement. So with the signing of the agreement today, we have a formal framework for operationalization of the Kartarpur Sahib corridor. So the stage is now set for operationalization of this facility by Government of India at a designated date. समझौते के बाद गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव SCL दास ने बताया कि श्रद्धालुओं को कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लेकर जाने होंगे। ब्रीफली वी हैव एग्रीड अंडर द एग्रीमेंट टुडे दैट इंडियन पिलग्रिम्स ऑफ ऑल फेथ एंड पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन दे कैन यूज द कॉरिडोर। द वीजा द ट्रैवल विल बी वीजा फ्री। पिलग्रिम्स नीड टू कैरी ओनली अ वैलिड पासपोर्ट अंडर दिस एग्रीमेंट। There will be an additional requirement of electronic travel authorization, which I'll explain later on. But under the agreement, you only need to carry a valid passport if you are an Indian citizen. Persons of Indian origin need to carry OCI card along with the passport of their country. The corridor is open from dawn to dusk. Pilgrims traveling the morning will have to come back by evening the same day. समझौते के मुताबिक एक दिन में भारत से 5000 श्रद्धालु करतारपुर साहिब में मत्था टेकने जा सकते हैं, जिन्हें शाम तक भारतीय सीमा में वापस आना होगा। पाकिस्तान श्रद्धालुओं से सेवा शुल्क के तौर पर हर श्रद्धालु से $20 यानी ₹1400 लेगा, जिससे उसकी हर महीने लगभग 21 करोड़ रुपए की कमाई होगी। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले ही 5 नवंबर को 2500 सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था और 6 नवंबर को दूसरा जत्था ननकाना साहिब जाएगा, जहां बाबा नानक की 550वीं जयंती की तैयारियां चल रही हैं। ननकाना साहिब से ये जत्था 13 नवंबर को भारत लौटेगा। आरुषि पुंडीर, गो न्यूज़।
कमलेश तिवारी हत्याकांड के दोनों मुख्य आरोपियों को 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड में बुधवार देर रात अहमदाबाद से लखनऊ लाया गया। उधर यूपी सरकार ने कमलेश तिवारी के परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर 15 लाख रुपए का चेक सौंपा। हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या के दोनों मुख्य आरोपियों शेख अशफाक हुसैन और मोइनुद्दीन पठान को 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड में बुधवार देर रात अहमदाबाद से लखनऊ लाया गया। लखनऊ पहुंचने के बाद दोनों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, जहां एसआईटी और पुलिस अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। इससे पहले मंगलवार देर रात गुजरात एटीएस ने गुजरात राजस्थान बॉर्डर से दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं इस मामले में सूरत से गिरफ्तार तीनों आरोपी अभी पुलिस हिरासत में। उधर यूपी सरकार ने कमलेश तिवारी के परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर 15 लाख रुपए का चेक सौंपा है। सीतापुर के डीएम बुधवार शाम कमलेश तिवारी के घर पहुंचे और उनकी पत्नी को 15 लाख रुपए का चेक सौंपा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को अक्टूबर महीने में भी चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम का कोई सबूत नहीं मिल पाया है। लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर से लगी कई तस्वीरों का बारीकी से अध्ययन करने पर लैंडर विक्रम से जुड़े सबूत नहीं मिल पाए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मून ऑर्बिटर एक बार फिर लैंडर विक्रम का पता नहीं लगा पाया। नासा के लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट एडवर्ड पेट्रो ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि नासा का मून ऑर्बिटर 14 अक्टूबर को चांद की दक्षिणी सतह से गुजरा था, लेकिन उसे लैंडर विक्रम का कोई सबूत नहीं मिला। पेट्रो ने कहा कि उनकी कैमरा टीम ने मून ऑर्बिटर की ली गई तस्वीरों को बेहद बारीकी से परखा, लेकिन लैंडर विक्रम का कोई निशान नहीं मिला। इससे पहले नासा का मून ऑर्बिटर 17 सितंबर को चांद की दक्षिणी सतह से गुजरा था। तब ली गई तस्वीरों के बाद नासा ने कहा था कि कम रोशनी और बड़ी बड़ी परछाइयों की वजह से लैंडर विक्रम को लोकेट नहीं किया जा सका, लेकिन अक्टूबर में ली जाने वाली तस्वीरों से कुछ नई जानकारियां सामने आ सकती हैं। लेकिन 14 अक्टूबर को ली गई तस्वीरों में भी विक्रम लैंडर का कोई पता नहीं चल सका है। सितंबर में नासा ने ये दावा भी किया था कि विक्रम लैंडर चांद की सतह पर तेजी से टकराया था, जबकि सतह पर धीरे धीरे उतरना था। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का स्पेस मिशन चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को शुरू हुआ था, लेकिन 7 सितंबर को चंद्रमा की दक्षिणी सतह पर लैंडिंग से पहले इसरो का विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। आंध्र प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से विशाखापट्टनम के तोटलाकोंडा स्थित प्रसिद्ध बौद्ध महास्तूप का एक बड़ा हिस्सा ढह गया है। ये स्तूप शहर की सबसे प्राचीन धरोहरों में से एक था। विशाखापट्टनम में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से थोटलाकोंडा के सबसे बड़े और प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप का आधे से ज्यादा हिस्सा बारिश की वजह से ढह गया है। महास्तूप के गिरने से राज्य की संस्कृति को दर्शाने वाली प्राचीन धरोहर को नुकसान पहुंचा है, जो इस बात का सबूत है कि सरकार की तरफ से भले ही लाख दावे और वादे प्राचीन इमारतों को बचाने के लिए किए जा रहे हों, लेकिन उनके रखरखाव की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है और इनके रखरखाव को लेकर राज्य सरकार भी संजीदा नहीं दिखाई देती है। थोटलाकोंडा में बसा ये बौद्ध परिसर करीब 2000 साल पुराना है, जो 120 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ देश ही नहीं विदेशों से भी पर्यटक घूमने आते हैं, लेकिन धरोहर को हुए नुकसान से ये बात साफ हो गई है कि ये सिर्फ धरोहर को नुकसान नहीं है, बल्कि कई सालों से सहेज के रखी जा रही एक विरासत को नुकसान पहुंचा है, जो हमारी संस्कृति को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। और जाते जाते कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और अब तक के सबसे बड़े मोबाइल गेम्स पबजी और फोर्टनाइट को भी पीछे छोड़ दिया है। कॉल ऑफ ड्यूटी गेम ने मोबाइल पर आते ही पबजी और फोर्टनाइट मोबाइल गेम्स के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लॉन्च के पहले हफ्ते में ही इसे 100 मिलियन से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया, जो पबजी और फोर्टनाइट के डाउनलोड नंबर से 5 गुना ज्यादा है। साल 2018 में लॉन्च किए गए गेम पबजी मोबाइल को पहले हफ्ते में सिर्फ 28 मिलियन डाउनलोड्स मिले। कॉल ऑफ ड्यूटी के आसपास अगर कोई गेम है तो वो है मारियो कार्ट टूर, जिसे लॉन्च के पहले हफ्ते में 90 मिलियन डाउनलोड्स मिले। ये आंकड़ा इंडस्ट्री साइट सेंसर टार में सामने आया है।
अमेरिका के बाद इस गेम को सबसे ज्यादा डाउनलोड भारत में किया गया। अकेले भारत में इसे 13.4% डाउनलोड्स मिले। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम को चीन की कंपनी टेंसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड ने बनाया है। ये काफी पुरानी और पसंदीदा गेम है जिसे सबसे पहले 2003 में पीसी पर लॉन्च किया गया था। ललिता कश्यप, गो न्यूज। गो प्लस में आज इतना ही। गो न्यूज की पूरी टीम की ओर से नमस्कार।